What's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to माई लवली टेंथन I am back with your most demanded lecture, भैया ज़्यादा in प्यारा लगता है और मुझे पढ़ाने में सबसे मजा आता है और इस lecture को start करने से इसका कोई भी part start करने से पहले कुछ चीजें बता दूँ, ये lecture शायद ही तुम्हें इससे ज्यादा बढ़िया स्टोरी टेलिंग मजाकिया और बिल्कुल डीप कोर तक ले जाने वाला लेक्चर मिलेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें तुम्हारी असल जिंदगी से रिलेट करने वाले और बहुत कहानी के फॉर्म में जैसे तुम लोगों को पताइए ठीक है हंसते खेलते नाचते गाते और इधर उधर की थोड़ी बहुत बात करके थोड़ा बहुत फंडे और एक स्टोरी के फॉर्म में तुम्हें बताऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्टोरी मुझे पढ़ाना कैसा आता है मुझे नहीं पता मैं अच्छा बुरा वो वो सब तुम्हारे ऊपर है पर स्टोरी टेलिंग में अच्छी करता हूँ बचपन से ही करता रहा हूं कहानी बनाता रहा हूं टीचर पकड़ के ले जाती है और फिर बहाना बनाना पड़ता है कि मैडम हमने ऐसा क्यों किया या फिर इसकी कॉपी में ऐसा कर लिख दिया उसको क्यों दिया तो वो सारी कहानी स्टोरी टेलिंग खैर उसका रिलेशन अलग होगा इसका रिलेशन गया। पर इस लेक्चर के बाद में तुम्हें जो मजा आएगा वो नेक्स्ट लेवल होगा ज्ञान मिलेगा और जो मैं बात तुम्हें बहुत दिल से बताऊंगा वो नेक्स्ट लेवल होंगी तो एक चीज का ध्यान रखना कि इस लेक्चर को हम सिर्फ लेक्चर की तरह ना पढ़े मैं तुम्हें अभी भी ये सब साइड में हटा देता हूं ये सारी मोहमाएं दूर कर दो पीछे स्क्रीन को जाने दो भाड़ में तुम बस अब मेरी आंखों में आंखें डाल के एक बार ध्यान से सुनो कि ये जो चैप्टर मैं तुम्हें बताऊंगा ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस लेक्चर के अंदर या हमारी पूरी हिस्ट्री किताबों के अंदर नहीं दी हुई वो मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी इमोशनल चीजें हैं थोड़ी मोटिवेटिंग चीजें हैं बट ऑल इन ऑल ये सब हमें जानना एज एन इंडियन सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे लेक्चर की तरह ना देखते हो अगर तुम लोग नहीं हो टेंथ के तो भी इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे आसपास दोस्तों के साथ में क्योंकि ये एक डेढ़ घंटे जितने एक घंटे और ज्यादा ऐसा ओवर मोटिवेट करके चिल्ला के और बिल्कुल आग वाग ला के वैसा नहीं करते बिल्कुल प्यार से बिल्कुल हंसते खेलते ठीक है हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो अगर तुम लोग पढ़ लेके आप डाउनलोड नहीं क्योंकि इस चैप्टर के नोट्स इस चैप्टर के स्लाइड्स इस चैप्टर का एड फ्री वर्जन इस चैप्टर के वन पेज नोट्स ये सारी चीजें तुम्हें ऐप पर देखने को मिल जाएगी फ्री में ठीक है तो ऐप पे जा सकते हो माय कोर्सेस में जाओगे पर बी सीरीज देखने को मिल जाएगी सिंपल से ऐप है बढ़िया क्यूट सी ऐप है तो डाउनलोड करना अगर कर नहीं कहते हो तो, बाकी सारे फीचर है बाकी मैं मुझे ऐसा पढ़ने-वड़ने का ज्यादा शौक नहीं है ऐसा मजा नहीं आता ठीक है स्लाइड्स वगैरह में देखना तो एक और चीज ये कुछ डेट और टाइमलाइन दे रखी भैया इस नहीं Now, छोड़ दो सारी मुहमाएं दूर रख दो मैंने भी सारे सब कुछ हटा दिया है ये काम करता पूरा टेक्नोलॉजी साइड में रख देते है ठीक है मैंने अपनी घड़ी भी साइड में रख दी है और बिल्कुल रॉ बात करते हैं ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो ये चैप्टर हमें यह बताता है कि हमारी आजादी के अंदर कुछ इंसिडेंट्स कैसे कैसे हुए इस चैप्टर में पूरी आजादी नहीं लिखी हुई है इस चैप्टर में ऐसा नहीं बताया है कि शुरू से लेकर एंड तक क्या हुआ तो क्योंकि हमारी आज भी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं मैं तुम्हें बता दूं ये चैप्टर जाना दो भाड़ में ये लेक्चर जाना दो भाड़ में हमारी किताबें जाना दो सब हटाओ साइड में एक चीज तुम्हें तो बता दूं कि हमारी हिस्ट्री की किताबें जो हैं वो आज भी बहुत खोखली हैं क्योंकि इन किताबों में जो बहुत ही महान लोग रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है इन किताबों के अंदर जो बहुत ही महान इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं हार्डली एक दो जगह पे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दिखेगा भगत सिंह जी का नाम दिखेगा मंगल पांडे का नाम दिखेगा ये सारे नाम बहुत कम दिखेंगे ठीक है और इन जनरल भी हमारे आसपास में ये सारी बातें नहीं होती है जो कि थोड़ा डिसहार्टनिंग है पर मैं फिर भी इस चैप्टर के बीच में कुछ कुछ बातें बहुत दिल से शेयर करूंगा हो सकता है कि कोई बातें बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग हो तो थोड़ा रेडी रहना क्योंकि मैं बिल्कुल नस पकड़ने वाली बातें करूंगा और ज्यादा टाइम वाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे देखो, एक लेक्चर हमेशा लेक, बताता हूं कि मैं कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं उसको ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि बस मैं पढ़ा रहा हूं मैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके या फिर इस तरीके से बताता हूं कि हम कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और इस चैप्टर में तो हम बिल्कुल ही बातें करने वाले हैं तो सब भूल जाओ कि हम कुछ पढ़ रहे हैं ये समझो कि मैं किस तो तुम्हें कहानी सुनाने रहे हो ठीक है चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया कहने का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की भावना एकता की भावना या फिर हम सब इंडियन से ये सब कैसे ओरिजिनेट हुआ किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया Although ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारी हिस्ट्री के अंदर से जो लिखनी चाहिए तो नहीं लिखी है क्योंकि ब्रिटिश इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है हमारी एनसीआर किताबें बनने के टाइम पे या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ठीक है तो ब्रिटिश ने आज के डेट में हमारी जिंदगी में क्या क्या खराब किया है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा और जो हमारी हिस्ट्री की किताबें कभी नहीं बता सकती वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा पता है बहुत सारे लोगों को पता ही चीज है पर फिर भी हम आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली दिक्कत यह है कि देखो क्या हुआ कि अंग्रेज दो साल से तो राज कर रहे थे है ना अब आ जाते हैं कहानी पर है ना अंग्रेज क्या कर रहे थे भैया दो साल से राज कर रहे थे पर यह जो भावना होती है कि यार हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है भाई छोड़ना है हमको हमको आजाद होना है ये भावना कैसे आई है ना मेरी बात सुनो तुम्हारे ऊपर कोई बहुत सालों तक राज कर रहा है दो सालों तक राज कर रहा है और ये लोगों के अंदर भावना आना कि भैया हमारे ऊपर कोई राज कर रहा है हमारे सिर के ऊपर कोई बैठा हुआ है हमारे सिर के ऊपर कोई डंडा मार रहा है उस भावना को एक सबके अंदर लेके आना ये कब हुआ ये कैसे हुआ क्यों हुआ तो सबसे पहले तो देश को आजाद होने के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है लोग लोगों के अंदर ये कम से कम एटलीस्ट ये थॉट तो होना चाहिए कि भैया हम गुलाम हैं हम आजाद नहीं हैं वी ऑल आर स्लेव्स ये चीज आनी तो चाहिए दिमाग के अंदर वो दिमाग के अंदर आई कहां से वो दिमाग के अंदर आने के बहुत सारे कारण थे अब देखो एक चीज पहले बता दू मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है मैं स्लाइड्स के अंदर एक एक लाइन लेके नहीं बैठूंगा कि द सेंस ऑफ अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइड सो बच्चों द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट दिसरेज मीन कॉलोनियलिज्म ऐसा नहीं करेंगे ठीक है ये कहानी सामने लिखी हुई है मुझे एक एक स्लाइड का मतलब पता है मैं तुम्हें सिर्फ मतलब बताऊंगा दिल से जो बातें निकलेंगी जो तुम्हारे दिल तक पहुंचने चाहिए मैं बता दूंगा और तुम्हें एग्जाम के अंदर देखो मैं जो बात दिल से बताऊंगा तुम्हारे तो दिल तक पहुंचेगी वो तुम्हें याद रखने में मदद करेगी और तुम्हें एग्जाम के अंदर क्या लिख के आने कौन सा शब्द लिख के आने वो यहां पर लिखे होंगे ठीक है तो मैं हर वो बात जो बोलूंगा एग्जाम में लिख के नहीं आनी है एग्जाम में सिर्फ ये लिख के आना है पर अगर याद रखना है तो मेरी बातों को सुनना बहुत जरूरी है तो हर एक स्लाइड जब मैं चेंज करूं उसके पहले तुम स्लाइड को पॉज करके पूरा रीड कर लो अगर तुम इतना कर लोगे तो मुश्किल से तुम्हारे बीस से तीस मिनट ज्यादा लगेंगे लेक्चर देखने में पर तुम्हारी जो एफिशियंसी दस गुना गारंटेड इंप्रूव हो जाएगी ठीक है चलो तो भैया हमको सबसे पहले ये भावना चाहिए थी कि हम सब एक हो और हम सब आजाद होना है तो यह पहली बात, पहली बात कि, कि भैया तो पहला जो इसका फीलिंग का जो सबसे मेन रोल था वो ब्रिटिश का ही था ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया जब हम सब गुलाम बने तो हमको सबको पता चलेगा यार हम तो गुलाम यार मतलब हमको पहली बार वो नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि अच्छा हम सब गुलाम हैं हम सब एक तरीके से गुलामी झेल रहे हैं तो पहले नेशनलिज्म की भावना यहां पर है ठीक है हर अब देखो हर इसका मतलब क्या है कि जितने भी क्लासेस थी मतलब अमीर गरीब ठीक है पेजेंट्स हो गए बिजनेसमैन हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या फिर झाड़ू पोछा लगाने वाले हो गए जितने भी लोग थे सबके लिए नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग था है ना सबके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब भी अलग अलग था तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे तो बेसिकली चैप्टर का फ्लो क्या है बहुत सिंपल है इस चैप्टर के अंदर हम एक पर्टिकुलर इंसिडेंट अलग अलग लोगों के जीवन में कैसे काम किया बस इतना ही देखना है कि भैया अमीर लोगों का क्या लेना देना था गरीब लोगों का क्या लेना देना था रिच क्लास लोगों, लोगों का क्या लेना देना था लोअर कास्ट लोगों का क्या लेना देना था इन सब लोगों का लेना देना क्या था और इन सब लोगों का मतलब क्या था आजादी का क्योंकि सबका मतलब अलग अलग होता है ठीक है चलो अब देखो तो बेसिकली सबका जो नोशन ऑफ फ्रीडम है नोशन ऑफ फ्रीडम मतलब कि जो भावना है आजाद होने के सब की वो अलग अलग है भाई मुझे किसी और चीज के लिए आजाद होना है सब लोगों को एक चीज के लिए आजाद होना है भाई अमीर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि उसके उसके ऊपर से फालतू का टैक्स हट जाए तो उसके लिए आजादी खुशहाल हो गई है ना गरीब क्या चाहेगा कि उसके ऊपर फालतू का जो ये जो उसको सैलरी नहीं मिलती है जो उसको प्रॉपर वर्किंग टाइम नहीं मिलता वो सब चीजें हट जाए तो वो खुश हो जाएगा तो कुल मिला सबकी जरूरतें अलग अलग थी पर सबको जोड़ने वाला एक ही दायरा था वो क्या था नेशनलिज्म ठीक है जी चलो अभी क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा ये सारे लोगों को साथ में लाने का अरे उस कोने में 5, 10, 5, 10, लोग अलग अपने जीवन में प्रताड़ित हो रहे हैं इस कोने में दस हजार लोग अलग प्रताड़ित हो रहे हैं उस कोने में दस हजार लोग अलग प्रताड़ित हो रहे हैं तो इन दस दस हजार के लोगों से कुछ होना नहीं है ठीक है दस दस हजार लोग अपने आप में कुछ सोचे यार हम कुछ कर ले तो कुछ होगा नहीं जब तक इन सब हजारों लोगों को साथ में लेके लाखों लोगों का एक थॉट प्रोसेस बने

ऐसा नहीं था कि बिल्कुल शांति परो के अरे यार गांधी जी बोल रहे चलो साथ आ जाओ हाँ यार एक काम कर हाँ कहां पे तू चल साथ में आ जाते अपन सब हाँ तू गरीब है ना कोई बात नहीं हाँ मैं अमीर हूं मैं अमीर बहुत अमीर हूं मैं पर अपन साथ में आया था आ ऐसा नहीं हुआ था ठीक है बहुत सारी मुसीबतें आई थी पर ठीक है जितना हम इस चैप्टर के अंदर देख सकते हो उतना देख लेते हैं ठीक है चलो अब सबसे पहले बात वर्ल्ड वॉर वन जैसे ही खत्म हुआ या वर्ल्ड वॉर वन के दौरान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि इंडिया जो है

वो तो चले गए लड़ने ठीक है वो तो थोड़ी सी सेना खुद की लेके गए और हमारे लाखों लोग उठा के ले गए जबरदस्ती मतलब यहां के लोगों ने इंडियंस ने पूरा उनका काम क्या कपड़े का आर्मी सप्लाईज का खाने पीने का और हथियार वथियार का सारा ये सब कुछ यहां पर इंडियन इंडियन लोग करके बैठ रहे थे ठीक है जितना भी अब देखो वॉर हुआ तो वॉर में पैसा तो लगता है वॉर के लिए पैसा कहां से इंडियन लोगों का टैक्स बढ़ा दो वॉर के अंदर वो कहां से आएंगे सेना कहां से जाएगी इंडियन लोगों को उठा के सेना में डाल दो तो बहुत सिंपल सी पॉलिसी थी कि भैया जहां भी हमको उल्टे सीधे काम करना हाँ कर पर चलो इंडियंस को लेकर चले जाओ ठीक है तो चीज चल रही थी बड़ा दिमाग खराब हो रहा था सबका है ना फिर बहुत सारी जगह पर फूड सप्लाई ये सब भी कम हो गई पर गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना था गवर्नमेंट को बस अपने वॉर से लेना लेने की फूड सप्लाई कम हो गई पेंडेमिक बढ़ता जा रहा था इन्फ्लुएं पेंडे जैसे अभी कोविड पेंडेमिक था ना वैसे इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक उस टाइम पे चल रहा था ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि और ज्यादा लोगों के अंदर आग आ गई कि इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ो क्यों लड़ो क्योंकि भैया ये खुद वॉर करने जाते हो और हमारी बारह बजा के चले जाते हैं ये कोई बात तो होती नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज होती है अब जब गांधी जी नाइनटीन से साउथ अफ्रीका से वापस आए ठीक है गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे ठीक है गांधी जी पहले तो साउथ अफ्रीका गए थे वापस वापस फिर, थे, फिर चले गए थे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई वहीं से की थी ठीक है लॉयर बोलते हैं में जब वो वापस यहां पे आए तो उनको उनको लोगों ने उनको एक, एक मसीहा की तरह देखा कि यार ये आके हमको आजादी दिलाएंगे क्यों देखा क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह नाम का एक मूवमेंट लॉन्च किया था जो कि वहां पर सक्सेसफुल हुआ तो भाई जब एक इंडियन आदमी का मूवमेंट साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हो सकता है तो लोगों ने एक मसीहा की तरह देखा कि यार जब यहां आ चुके हैं तब तो सक्सेसफुल कराई देंगे ठीक है तो कहानी की तरह सुनते जाओ कहानी की तरह सुनते जाओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ वर्ल्ड वॉर वन हुआ वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ब्रिटिशर्स ने बहुत अपने अपने वर्ल्ड ब्रिटिश तो लड़ने चले गए कि भैया हम तो लड़ेंगे हम जीत के दिखाएंगे पूरी दुनिया को और जीत के दिखाने दुन, पूरी दुनिया को दिखाने के चक्कर में इंडियन की बारावाजादी क्यों बजा बाराव वजादी क्योंकि भैया लोग तो यहीं से लेके गए आर्मी यहीं से लेके गए खाना पीना यहीं से लेके गए अब इंडिया के अंदर आ गया पेंडेमिक पेंडेमिक आ गया तो लोग और पागल हो गए कि यार ये हमारे आदमी ले जाता है हमारा सब कुछ ले जाता है और खुद लड़ने चले जाता है और हमको कुछ देता नहीं ठीक है तो और गुस्सा हो गए फिर गांधी जी नाइनटीन में जब वापस आए तो लोगों ने उनको एक मसीहा की तरह ट्रीट किया कि यार चलो अब शायद कुछ मूवमेंट आ सकते हैं देश के अंदर ठीक है अब 1915 से 1916 जो महात्मा गांधी के भी पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने बहुत सारी प्लेसेस देखी इंडिया के अंदर और सारा एक्सपीरियंस लिया पहले तो प्रॉब्लम का मतलब ये 1915 से 1916 में गांधी जी आ गए है ना में गांधी जी आए अब गांधी जी आए तो उन्होंने सोचा कि देखो मैं खुद से तो कुछ कर नहीं सकता तो मुझे पहले तो देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर सुनी सुनी बातों से क्योंकि तुमको बताऊंगा कि भाई आगे लोगों ने सुनी सुनी बातों के चक्कर में क्या क्या कांड कर दिया तो हमको अभी ये देखना है अभी गांधी जी का यह था मेन मोटिव कि भैया हम खुद चल के देखते हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है ठीक है चलो अब द आइडिया ऑफ सत्याग्रह सत्याग्रह मतलब सत्य और आग्रह यानी कि ट्रूथ और होल्ड ऑन टू ट्रूथ के साथ खड़े रहना इस कॉल्ड सत्याग्रह सत्याग्रह एक ऐसा मूवमेंट है जिसके अंदर मतलब बेसिकली सत्याग्रह का मतलब है ये ऐसा नहीं कि हम सच बोलेंगे सबको तो सत्याग्रह हो जाएगा सत्याग्रह मूवमेंट का मतलब ये है वर्ड का कि सत्य मतलब ट्रूथ और आग्रह मतलब ट्रूथ के लिए खड़े रहना हमेशा होल्ड ऑन टू ट्रूथ झूठा नहीं बनना यानी कि सच से अलग नहीं भागना ठीक है चलो या धर्म से कुछ भी कह सकते हो तुम ठीक है तो बेसिकली सत्याग्रह तो मास एजिटेशन एक शब्द तुम देखोगे मासन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को साथ में लेके आना और एक साथ लड़ना किसी गलत चीज के खिलाफ वो भी नॉन वायलेंस के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नॉन वायलेंस के थ्रू क्योंकि जब महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ये चीज करी थी ये एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पर नॉन वायलेंस के थ्रू इसमें यह बहुत अच्छी जीत हासिल कर पाए थे तो उन्होंने सोचा कि जब मैं वहां कर सकता हूं तो यहां भी करता हूं तो जब वो यहां आए तो उन्होंने तीन सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए तीन कौन कौन से उन्होंने बोला क्या देखो याद करो टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे हम एक स्टोरी के हिसाब से चलेंगे सब कुछ रखो साइड में मैं इसको अपने हाथ से वो भी हटा देता हूं ठीक है अपने हाथ से ये सब भी हटा देता हूं पेन वेन जो भी है ठीक है चलो कुल मिला के 1915 में गांधी जी इंडिया में है उन्होंने देखा कि भाई हालत तो खराब हो रखी है

अमीर लोगों के लिए अलग तरीके से काम कर रहा है गरीब लोगों के लिए अलग तरीके से काम कर रहा है मेरा कहने का मतलब यह है कि अमीर इंसान के लिए अगेन आजादी का मतलब यह है कि फालतू तो के टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे बिजनेस बहुत ग्रो हो सकता है और गरीब आद, गरीब आदमी के लिए आजादी का मतलब यह है कि उसको दो वक्त की रोटी मिल जाएगी उसको किसी का फोर्स काम नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो तो मिल तो आजाद ही रही है पर उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके जो कारण है, वो सबके लिए अलग-अलग सत्याग्रह था सत्याग्रह तीन जगह पे लॉन्च किया गया 1917 के अंदर चंपारण बिहार के अंदर यहां पर क्यों लॉन्च किया गया देखो सत्याग्रह मतलब किसके अपोज में लॉन्च किया गया इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम मतलब कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कई सारी चीजें इस इसके अंदर लिखी हुई नहीं है पर मैंने जो कुछ पढ़ रखा है मैंने जो कुछ कहानियां देख रखी है मैंने जो कुछ भी हिस्ट्री कार्य पढ़ रखा है उस हिसाब से तो मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं तो चलो वापस से आ जाता है एनर्जी के अंदर थोड़ी एनर्जी बिल्कुल लूज नहीं होनी चाहिए उन्नीसो में क्या हो रहा था इस टाइम पे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सोचा कि यार इंडिगो जो है वो ग्लोबल मार्केट में बड़ा तेजी से ग्रो हो रहा है ग्रो हो रहा है एज इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है है ना सब लोगों को इंडिगो चाहिए सब बड़े बड़े अमीर लोग जो इधर उधर से रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं दुनिया की उनको चाहिए कि इंडिगो भैया इंडिगो मिल जाए बहुत सारा

तो बोले कि तुम फालतू और कुछ नहीं उगाओगे सिर्फ इंडिगो उगाओगे तो ये बोले कि भैया हम सिर्फ उगाओगे इंडिगो -इंडिगो और बाकी खाने पीने की चीज क्या उगाएंगे और ये इंडिगो तो तुम ले जाओगे बेचने के लिए। हमारे पास पैसा कहां से बनेगा तो तुम्हारा काम जाने भैया हमने तो गांधी भैया हम सिर्फ इंडिगो उगाने नहीं आए ठीक है फिर 1918 के अंदर खेड़ा इन गुजरात गुजरात के अंदर इन गुजरात खेड़ा के अंदर जब हो गए तो वहां के जो पेजेंट थे वहां के जो लोकल फार्मर्स उनसे सरकार बहुत ज्यादा टैक्स ले रही थी जबकि क्रॉप भी फेल हो चुका था तो उन्होंने बोला कि भैया क्रॉप फेल हो गया आप कहां से तुमको ला के दे यहाँ रेवेन्यू तो ब्रिटिश नहीं वो मेरी प्रॉब्लम नहीं तुम तो ला दो ऐसे पागलपने कर रहे थे तो गांधी जी आए उन्होंने इनके साथ में मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगेन फिर से लड़ा नॉन वायलेंस के तो नॉन वायलेंस मास एजिटेशन मतलब कि मास मतलब सबको यूनाइट करके एक साथ लड़ना विदाउट एनी वायलेंस ठीक है 1918 के अंदर अगेन 17 18 18 18 के अंदर अगेन अहमदाबाद के अंदर भी हुआ अहमदाबाद के अंदर किसले हुआ कॉटन मिल ठीक है कॉटन मिल 18 याद रखो 1918 में हुआ कॉटन मिल क्यों वेजेस इंक्रीज करने के लिए क्योंकि बहुत ही कम वेजेस पे काम करना पड़ रहा था वहां तो के लोगों को ठीक है मतलब बिल्कुल ना के बराबर पैसे मिलते थे तो गांधी जी रहे और उनके उनके साथ मिलकर भी लड़ाई की तो बेसिकली सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने तीन जगह पर रन किया अब देखो गांधी जी ने थोड़ी स्मार्टली गेम को खेलने की कोशिश की उनको लगा कि यार एक साथ तो मैं कुछ कर नहीं सकता धीरे धीरे करके जब तक मेरी पॉपुलरिटी इंक्रीज नहीं होती जब तक लोग मेरी बातें सुनना चालू नहीं करते तब तक मैं कुछ भी ज्ञान दे दू कोई नहीं सुनने वाला है तो हमेशा सिंपल सी बात है भाई मैं अपने घर के चौराहे पे खड़ा होकर पचास लोगों को ज्ञान दे दू तो उससे देश नहीं बदलेगा अगर देश बदलना है तो लोगों को धीरे 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 करके हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा ठीक है इतनी बात समझ में आई अब अब ये ये क्लियर है है देखो गांधी जी ने तीन जगह एक्सपेरिमेंट रन किया उनको पता चला कि कि यार ये तो सही चीज मतलब कि काम कर गया तो अब गांधी जी ने सोचा कि हम यही चीज को और ज्यादा बड़े लेवल पे कर सकते हैं ठीक है तो जब ये तीन गांधी जी ने तीनों मूवमेंट सक्सेसफुल रन होगा तो गांधी जी ने सोचा कि हम अब एक बड़े लेवल पर कर सकते हैं एक बड़ा मूवमेंट ठीक है पर अब देखो गांधी जी ने क्या सोचा कि यार सत्याग्रह हमने तीन जगह तो मतलब है।, है ना बढ़िया तरीके से चल रहा था तो तुमको क्या लगता है कि ब्रिटिश के देखेंगे कि यार, गांधी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो बहुत ही सही यार तीन बढ़िया तो कर दिया सत्याग्रह मूवमेंट हमारी तो बारह बजे रख दिया चलो बहुत सही तुमको क्या लगता है वैसे बैठ के देखेंगे नहीं न्यूटन के के थर्ड तो नहीं, नहीं, लॉ an तो जो, जो बोला कि हम भैया नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे इसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होना था ब्रिटिश की तरफ से तो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम क्या किया रोलेट एक्ट पास कर दिया रोलेट एक्ट पास कर दिया ब्रिटिश ने ठीक है

जेल में पटक दो तेरे को कौन और कौन और तू आजा चल तेरे को जेल में पटक दो ऐसा हो गया था मतलब तुम किसी को भी उठा के जेल में पटक सकते हो ये पार्स इस लॉ के थ्रू उनके हाथ में आ गई ठीक है चलो अब देखो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट एक हड़ताल की 6 अप्रैल को ठीक है अलग अलग जगह रैलीज हुई लोगों ने स्ट्राइक पे चले गए कि भैया यार ये तो कोई बात नहीं होती है है ना मतलब हम तो अच्छे के लिए मूवमेंट कर रहे हैं ना तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो अब अपने अब जब तुम्हारे खिलाफ मूवमेंट किया तो तुमने और खतरनाक रूल डाल दिया कि हम तो किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं मतलब भाई इंसान घर से बाहर निकले अरे जेल में चले जाएंगे मतलब तुम सब्जी लेने के लिए मार्केट जा रहे हो तुमको जेल में उठा के ले जा सकते कुछ भी कर सकते ना इतनी पावर आ तो उनके हाथ में ठीक है तो गांधी जी हड़ताल पर बैठ गए स्ट्राइक पर बैठ गए और उनके देखम देखी बहुत सारे लोग उनके इन्फ्लुएंस में जितने भी वर्कर्स थे बहुत सारे वर्कर्स बहुत सारे जो आम नागरिक थे गवर्नमेंट वर्कर्स थे सारे के सारे स्ट्राइक पर चले गए ठीक है अब लोकल लीडर्स अब क्या हुआ कि चूंकि इनके पास मोरल अटैक था तो लोकल जितने भी लीडर्स थे उनको उठा के जेल में पटक दिया है ना उनको उठा के क्या करते जेल में पटक दिया और उन्होंने गांधी जी को बोल दिया कि भैया आप दिल्ली नहीं घूल सकते आप दिल्ली के अंदर नहीं घुस सकते ये गांधी जी के ऊपर बैन लगा दिया क्यों क्योंकि अगर गांधी जी दिल्ली आ जाते हैं दिल्ली मेन हब है इंडिया का अगर वो दिल्ली आ जाते दिल्ली के अंदर उनका बढ़ जाता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो खत्म हो जाती उनको डर लग गया उनको लगा कि भाई हमारी तो फट गई है हम गांधी जी को बोल देंगे कि भैया तुम दिल्ली मत आओ ठीक है और उनको डायरेक्टली जेल में डाल सकते क्योंकि उनको जेल में डाल तो, तो पक्का उनको कच्चा चबा जाता है मतलब ब्रिटिशर्स को कच्चा चबा जाता है तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको दिल्ली आने से बैन कर दो और बाकी लोगों को हम एक एक करके जेल में डाल देंगे अब ये सारी कहानी चल रही थी है ना ये 1919 के आसपास छह अप्रेल नाइन नाइनटीन के आसपास की ही कहानी तुम्हें देखने को मिल रही है अब क्या हुआ इसी के साथ में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हमारी इंडियन हिस्ट्री का जो कि एक बहुत ही बड़ा धब्बा है हमारी हिस्ट्री के ऊपर विच इज द वाला एक्ट या वाला मैसेकर या वाला हत्याकांड इस दिन क्या हुआ था जब यह कांड हुआ जलियांवाला नाम का एक गार्डन है अमृतसर के अंदर जो कि आज भी है वहां पर सैकड़ों लोगों को गोली मार दी गई क्यों गोली मार दी गई भैया ये क्या बात हुई कि अभी तो तुम जेल में डाल रहे हो अभी गोलियां डालने गोलियां चलाना लग गए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है अब ध्यान से सुनना क्या हुआ था कि 10 तारीख को 10 अप्रैल को अब डेट पे आ जाओ है ना ये कहां डेट थी भैया 6 अप्रैल 6 अप्रैल के चार दिन बाद चार पांच दिन बाद दस अप्रैल को क्या हुआ दस अप्रैल को अमृतसर की जो पुलिस थी उसने एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायरिंग चालू कर दी मतलब कि लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली एक जुलूस टाइप का है और कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो एक साथ कुछ कुछ अपना कर रहा है प्रोसेशन कर रहा है पीसफुली कोई किसी को हार नहीं पहुंचा रहा कोई किसी को गोली नहीं मार रहा कोई किसी को हथियार नहीं मार रहा पर उसके ऊपर अमृतसर की जो पुलिस थी यानी कि जो ब्रिटिश ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश कंट्रोल में थी पुलिस उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग चालू कर दी

उन्होंने सोचा कि यार ये लोग तो फिर से मारने लग गए अब क्या करें तो इसीलिए मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया और जनरल डायर ने कमांड ले लिया मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि ओपन फायर कर सकते हैं ठीक है और जनरल डायर जो थे अब वो हो गए कमांड में मतलब जनरल डायर जो थे वो इंचार्ज हो वो अब उनके दस अप्रैल को पीसफुल गुस्सा हो गए लोग गुस्सा होते तो लोगों ने और जाके बैंक में जाके हाथापाई करना चालू कर दी और इसी टाइम के अराउंड जनरल डायर ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया अब तेरह अप्रैल तीन दिन के बाद अमृतसर के अंदर बैसाखी का अवसर था ठीक है बैसाखी एक इवेंट होता है पंजाब के अंदर जो कि बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है आज की तारीख तक अभी भी मनाते हैं सब लोग बैसाखी के इवेंट में लोग एक जलियावाला बाग यानी कि गार्डन है जहां पर लोग असेंबल हुए थे काफी बड़ा गार्डन है तो लोग वहां पर असेंबल होते हैं ऐसे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए ठीक है कुछ लोग अपने गांव से दूर आए होंगे कि यार चलो हम बैसाखी का वहां पर मेला लगा हुआ है या कुछ भी प्रोसेशन चल रहा है वहां पर चलते हैं कुछ लोग मार्केट से चलते चलते आ गए होंगे कि चलो यहाँ पर मेला देखने चलते हैं कुछ बड़े बुढ़े लोग अपने बच्चों को छोड़ के आएंगे कुछ बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के आए होंगे ठीक है कुछ छोटे छोड़ छोटे बच्चे भी आए होंगे वहां पर तो वो सब लोग शांति से बैसाखी के अवसर पर इकट्ठा हुए थे अब चूंकि मार्शल लॉ इम्पोज था यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ असेंबल नहीं हो सकते तो ये जो मूर्ख जनरल डायर नाम का आदमी है ये अपने ट्रूप्स अपनी सेना अपने आदमियों को लेके उस जलियां वाला बाग जहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है कोई देश विदेश की बात नहीं कर रहा है बस लोग बैसाखी का मेला लेके एंजॉय कर रहे हैं लोग वहां पर हंसी खुशी बातचीत कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं पर जनरल डायर मूर्ख वहां पर आता है वहां के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक करता है वहां पर कई सैकड़ों लोग 100, 200, 300, 400 लोग इकट्ठे थे जो कि अपना आराम से वहां पर इंजॉय कर रहे थे इवेंट को वो बैठे थे वो थे वहां पर और ये मूर्ख आदमी ने अपनी जितनी भी सेना थी उनको ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया ओपन फायर मतलब अंधा धूंध फायरिंग करो किल एवरी सिंगल पर्सन शूट ऑन साइट जो दिख रहा है उसको गोली मार दो फर्क नहीं पड़ता बच्चा है फर्क नहीं पड़ता बूढ़ा है फर्क नहीं पड़ता साफ सुथरा बिल्कुल बिना कुछ करने के लिए बिल्कुल ही शांत हो फर्क नहीं पड़ता औरतें हो बच्चे कोई भी हो गोली मारो बस अब ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही पेनफुल है बिकॉज आज भी जब मैं बताता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप और आपके दोस्त आपका क्लासरूम है स्कूल के अंदर अब आपके क्लासरूम का एक एंट्री डोर होगा या दो होंगे उस एंट्री डोर से आते हैं पचास सोल्जर्स दूसरे एंट्री डोर से आते हैं दस बीस और सोल्जर्स और आप लोग बैठे हो बीच क्लास में आपको पता भी नहीं क्या हो रहा है आप मतलब बिल्कुल क्लूलेस हो आपको पता हो कि यार लोग क्यों मारने तो रेडी भी रहो ठीक है यार ये तो मारने आ गए तुम्हें पता नहीं तुम अपनी अच्छी वाली पढ़ाई कर रहे हो और एकदम से तुम सामने देखते हो और तुम्हारे ऊपर धड़ 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 फायरिंग चालू हो जाती है अब ये जो इंसिडेंट है ये एक टेरर एपिसोड से कम नहीं है जो मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे ये उससे बिल्कुल कोई कम नहीं है ये उस टाइम के टेरर टैक्स मान सकता हूं क्योंकि इस टाइम पे भी लोगों को पता नहीं था कि उनको क्यों गोली मारी जा रही है वो बिल्कुल क्लूलेस थे और अभी भी जो मुंबई में अटैक्स होते हैं वहां पर भी ये सेम चीज होती है मैं दोनों को रिलेट नहीं कर रहा हूं मैं बस बता रहा हूं कि कितना पेनफुल रहा होगा क्योंकि हम मुंबई वाले इवेंट से अभी रिलेट कर सकते हैं हमने न्यूज में देखा है हमारे चित परिचित लोगों के मुंह से सुना है इसलिए हम उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इसलिए बस तुम्हें रिलेट करके बता रहा हूं क्योंकि मेरा काम है तो इवेंट ये जो था ये बहुत ही खतरनाक बहुत ही पेनफुल रहा था ठीक है चलो अब ये देखो ये जले वाले बाग के आज के फोटो से प्रेजेंट डे फोटोज है आज भी अगर तुम जाते हो तो तुम्हें बुलेट मार्क्स दिखेंगे देखो यहाँ पर स्क्वायर में मार्ग यू है ये के मेंशन के, देखो ये कुछ 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 बुलेट मार्क्स हैं ये पूरा इवेंट इस टाइप का दिख रहा होगा एक स्केच ड्रॉ किया हुआ है जहां पर ये सारे सोल्जर्स और लोग यहाँ पर मरे और ये वहां पर एक कुआ था जले वाले बाग के अंदर ये आज भी तुम देख सकते हो जाके लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदना चालू कर दिया अब इस कुएं के अंदर भी जब एक के ऊपर एक के ऊपर ढेर हो लोग एक के ऊपर एक पड़ गए मतलब लाशों के ढेर लग गए उसके ऊपर मतलब जैसे हम ईट नहीं फेंकते हैं बोरिया नहीं फेंकते वैसे लोग यहां पर कुएं के अंदर कूद गए कि चलो यहां यहां से हम बच जाएंगे पर यहां पर भी लोग वहीं वहीं के वही रह गए क्योंकि भगदड़ इतनी मच गई थी तो तो कुछ लोग तो गोली से मर गए कुछ लोग भगदड़ में मर गए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब ये चीज ये पूरा सिनेरियो समझ में आया तो लोगों के अंदर तो वैसे ही बहुत गुस्सा है अब इसी दौरान एक और चीज चल रही थी खिलाफत इशू खिलाफत इशू क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ तो जो टर्की के एम्पायर जो टर्की का ऑटोमन था ऑटोमन टर्की जिनको हम बोलते हैं वो उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी मतलब उनके ऊपर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी साइन कर दी मतलब मतलब कि ये जो 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 ऑटोमन ऑटोमन जिनको हम जगह मतलब का नाम है तो ज्यादा बिल्कुल पूरी दुनिया के है ना मतलब पूरी दुनिया के जो लोग थे जो इससे बिलोंग करते हैं यहां पर ये इनके स्पिरिचुअल हेड थे अब लोगों का तो गुस्सा आ गया उस पर्टिक तो बेसिकली अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरीके से गुस्सा हुआ ठीक है तो यहां पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज से गुस्सा होगा कि भाई ऑटोमन एम्पर की सारी पावर छीन ली तो अब लोगों ने क्या क्या खिलाफत आ,

खिलाफत कमेटी इसके जो लीडर्स अली शौकत अली दोनों बहुत यंग थे महात्मा गांधी इनसे मिले इन्होंने बोला कि आप हमारे साथ में आ जाइए हम सारी कम्युनिटीज को एक साथ जोड़ के क्योंकि ये दो सबसे बड़ी कम्युनिटीज है इंडिया की अगर हम इनको जोड़ के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े तो हमें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें अलग ही डिवाइड एंड रूल के नाम से किया है ठीक है तो अब अगर हम साथ में आके लड़ते तो हमको कोई नहीं रोक सकता जीतने से ठीक है तो खिलाफत और स्वराज दोनों को साथ में मिलाकर बनाया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब बहुत सिंपल सा है नॉन कोऑपरेशन कोऑपरेट करना मतलब कह रहे यार हेलो uh, हाँ पापा हाँ जी पापा बोल रहे हैं कि uh, बेटा काम कर रहा वो uh, आज ना uh, पेंटिंग वाले आएंगे उनके साथ में कोऑपरेट कर लेना घर पेंट करने वाले आएंगे उनके साथ कोऑपरेट कर लेना ठीक है कोऑपरेट करना मतलब कि यार आ जाओ जाओ ठीक है हाँ पेंटिंग कर लो पानी चाहिए नाश्ता चाहिए ठीक है हाँ भैया यहाँ से पेंट कर लो बिल्कुल आराम से आपको टेबल चाहिए चढ़ने के लिए टेबल दे दी मतलब मैं कोऑपरेट कर रहा हूं मैं साथ दे रहा हूं कि आप लोगों को करना है ठीक है मैं आपके साथ हूं मतलब साथ हो ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको ऐसा नहीं कि चलो घर से बाहर निकलो कोई पेंट वेंट नहीं करना भाव से ऐसा नहीं करूंगा तो अभी तक क्या हो रहा था गांधी जी के हिसाब से गांधी जी ने यह चीज अपनी हिंद स्वराज नाम की बुक के अंदर में, में मेंशन किया है कि जो ब्रिटिशर्स आज यहां राज कर रहे हैं वो हमारे कोऑपरेशन के कारण ही तो कर रहे हैं अगर हम पहले दिन चाण हमारे भागा चल भाग से तो तुमको लगता है कि वो कर पाते आज नहीं कर पाते ना तो गांधी जी का भी यही मानना था कि भैया हमने कोऑपरेट किया इसलिए ब्रिटिशर्स यहां पर हैं

जितने भी लोग थे अच्छा ये आ रहा जितने भी लोग थे इसको स्टार्ट कैसे करते हैं अच्छा बेसिकली एक चीज बताता हूं ये तो मैंने सारी बता दी तुमको तो टोटल तो ओवरऑल करके पर एक्चुअली प्रैक्टिस में नॉन कॉपर मूवमेंट कैसे लॉन्च हुआ तो कोई भी चीज स्टेप वाइज लॉन्च होती है ना है ना कुछ भी चीज होती है तो स्टेप वाइज करते हैं अरे भैया जब थोड़ी बोला कि बस मिनट बाद नोट बंद बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा उन्होंने भी कुछ टाइम दिया था मोदी जी ने कि भैया दिन के अंदर तुम ये खरीद सकते हो नब्बे दिन के अंदर तुम यहां एक्सचेंज कर सकते हो वो कर सकते हो तो वैसे ही कोई भी मूवमेंट इतनी बड़ी कंट्री में एकदम से तो स्टार्ट हो नहीं सकता बहुत टाइम बहुत स्टेप से लगाना पड़ेगा तो गांधी जी ने सोचा कि हम कोई भी मूवमेंट करेंगे

जैसे गांधी जी को केसर हिंद नाम का एक वो दिया गया था टाइटल केसर हिंद नाम का उन्हें एक मेडल या टाइटल दिया गया था तो गांधी जी ने उससे भी सरेंडर कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बाहर में जाओ ठीक है सिमिलरली जितनी भी सिविल सर्विसेज आर्मी फॉरन गुड्स इन सबको बॉयकॉट किया गया ठीक है और अगर गवर्नमेंट इसमें और उंगली करती है गवर्नमेंट इसको और दबाने की कोशिश करती है तो फिर हम पूरा सिविल मूवमेंट लॉन्च कर देंगे अभी हम नॉन कोऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं हम शांति से देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं अगर ये नहीं माने अगर इसमें भी हमको उंगली करने लगे अगर हमने इन्होंने अभी भी हमें आजादी नहीं दी तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देंगे गांधी जी ने साफ बिल्कुल क्लियर कर दिया था ठीक है अब, movement, मतलब हमने इसको तो से देखा वो हम देखते हैं सबसे पहला मूवमेंट इन टाउन मतलब कि शहरों में क्या हालचाल थे भैया देखो क्या हुआ कि कोई भी चीज जब लॉन्च होती है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग हालचाल होते हैं तो गांधी जी ने बोल दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया ठीक है तो अब जो शहर के लोग थे अलग अलग टाउन के जो लोग थे उन्होंने इसको किस नजर से देखा तो बहुत यहां पर क्या क्या, क्या लोगों ने कि भाई टाउन है शहर है तो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग रहेंगे तो मिडिल क्लास लोगों ने बढ़ गांधी जी हम तो बिल्कुल आपके साथ है आप जो बताओ हम वो करेंगे ठीक है तो इन लोगों ने क्या किया बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया जितने हजारों स्टूडेंट्स है हजारों टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दिया नहीं जाना हमको स्कूल नहीं पढ़ना टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया कि हम तो जाएंगे नहीं लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और लोगों ने जितने भी फॉरेन गुड्स थे या फॉरेन कपड़े थे जो टी शर्ट जींस और जीन्स तो खैर उस टाइम नहीं होते पर शर्ट पैंट हो गए ब्लेजर कोट ये जितनी भी चीजें जो वेस्टर्न कल्चर से आती हैं उन सबको खुले आम चौराहे पर जलाना चालू कर दिया कि भैया हम तो जलाएंगे हम तो ये नहीं पहनेंगे और हम सिर्फ खादी कपड़ा पहनेंगे खादी कपड़ा मतलब जो तुमने गांधी जी को बहुत बार फोटोज में जैसे देखा होगा खादी कपड़ा एक बिल्कुल इंडियन फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग होता है तो हम सिर्फ खादी ही पहनेंगे हम बड़े बड़े ह्यूज बॉन्डफार्ड बहुत बड़ी बड़ी आग के लपटों में इनको जला दिया गया और जितनी भी दारू की शॉप थी लेकर शॉप थी उनको पहले आ, लूट लिया गया ठीक है तो जिन लोगों को बहुत इच्छा हो रही होगी कि भैया चलो लूटवाट तो हो रही है तो हम भी थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लेते हैं तो वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आ गए थे ठीक है तो ये चीज समझ आ अब चूंकि लोगों ने सबने इंडियन कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया सबने खादी कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिया तो जो इंडियन जो हैंडलूम्स थे जो इंडियन कपड़े बनाते थे जो खादी के कपड़े बनाते थे पहले तो उनको कोई पूछता नहीं था क्यों नहीं पूछता था क्योंकि भैया वेस्टर्न कपड़े बहुत कन्वीन यार बढ़िया शर्ट पह, पहनो पैंट डालो और निकलो बाहर कितना कन्वीनियंट है मैंने टी शर्ट पहन रखा है भाई इसकी अगर मान लो मुझे खादी पहनना होता तो मुझे मिनट तक ऐसे गोल 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 घुमा के तैयार होना पड़ता धोती धोती कुर्ता पहनना होता तो तो मुझे बनानी पड़ती है ना टी शर्ट जींस में क्या है कि भाई नींद जी टी शर्ट डाल जींस पहन और घर से बाहर निकल गए ठीक है तो लोगों ने सोचा कि भाई अब हम ये नहीं करेंगे तो इस इसके कारण क्या हो जो इंडियन हैंडलूम्स थे वो तो बहुत ही कम चल रहे होंगे क्योंकि वेस्टर्न कपड़े बहुत डिमांड में थे तो इसी कारण जब यहां पर हमने वेस्टर्न सारे कपड़े जलाना चालू कर दिए फॉरन सारे कपड़े जलाना चालू कर दिए तो उसके कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जो इंडियन डलूम्स वाले थे इंडियन ट्रेड टेक्सटाइल मिल्स वाले थे उन लोगों को बहुत पार मिली उन लोगों को बहुत शक्ति मिली कि चलो हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं तो उन्होंने बहुत ही तेजी से वापस वापस से खादी जो है वो बनाना चालू कर दिया अब हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं है ना कई बार होता है ना कि हम बिल्कुल जोश जोश में सोचते भैया आज तो मैं बिल्कुल आ, दस घंटे जिम जाऊंगा दस घंटे जिम जाते तो हमको पता चलता है हम दस घंटे जिम तो चले गए थोड़े बहुत पतले जरूर हो गए पर ग्यारहवें घंटे से हमारी हालत ही खराब हो गई हम दस दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाए ठीक है तो सेम यहां पर भी जो मूवमेंट हुई है ग्रेजुअली बहुत सारी तकलीफें भी आई ऐसा तो होगा नहीं कि चलो चल कपड़े जला दिए हाँ जल रहे हो देखो बढ़िया कपड़े जल रहे एकदम हाँ, ब्रिटिश, आग लगाई तो बोला कि चलो फिर आजादी तो बोले हाँ हाँ ठीक है चलो गुड बाय टेक केयर ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उनको बहुत बड़ी बड़ी आग के लपटे दिख गए तो देश छोड़ के भाग गए उन्होंने उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा ठीक है तो ये चीज हमने की टाउन के अंदर पर दिक्कत यह हुई कि यहां पर जो मूवमेंट वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई क्यों क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास रिप्लाई आया नहीं अब जो खादी कपड़ा था वो होता था बहुत महंगा भाई ये जो कपड़े होते होते हैं कितने सस्ते हैं कुर्ता पजामा टी शर्ट तुमको प, पचास रुपए में मिल जाएगा कुर्ता पजामा कम से कम अच्छा लगा खरीदोगे तो सात सौ आठ सौ रुपए तक का तो आएगा तो कुल मिलाकर इंडियन जो ये जो कुर्ता पजामा एग्जाम दे रहा हूं पर उस टाइम पे भी खादी जो था वो बहुत महंगा था लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसको और जो लोगों ने जो जोश में अपनी जॉब छोड़ दी थी जिन टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर पढ़ाना बंद कर दिया था उनको रियलाइज हो भैया हमने बंद तो कर दिया है पर अब काम क्या करे? <laughs> मतलब घर में रोटी कैसे आएगी मैं कमाऊंगा क्या स्टूडेंट्स ने सोचा क्या देखो हमने सब छोड़ तो दिया वो बात तो बिल्कुल सही है पर हम पढ़ेंगे क्या मतलब हमारा करियर कैसे बनाएंगे हम कैसे कमाएंगे हम अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे तो इसलिए यार धीरे 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 करके लॉयर्स टीचर्स ये सब वापस से धीरे 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 हिल डुल के वापस से अपने काम में लग गए ठीक है अब रेबेलियन एन द कंट्री साइड मतलब कंट्री साइड में देखते कि क्या हुआ कंट्री साइड मतलब कि जो कुछ टाउन्स हो गए है ना सॉरी कंट्री साइड मतलब कि कुछ गांव हो गए जो रूरल एरियाज हो गया ठीक है जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए वो सारे कंट्री साइड के अंदर है। अब यहां पर क्या हुआ अब देखो अलग अलग जगह की बातें करते हैं दो तीन अब देखो बेसिकली पूरे इंडिया को तो हम कवर कर नहीं सकते एक चैप्टर के अंदर तो हमने जो मेन मेन इंसिडेंट्स है दो तीन जगह को निकाल दिया ठीक है तो पहली बात तो सुनो मेरी बात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझ समझा इसका मतलब क्या था ये क्यों लॉन्च हुआ था किससे इंस्पायर होकर लॉन्च हुआ था यह चीज समझ आ गई अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन ये पूरी चर्चा समझ में आ गई है ना हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहर के अंदर कैसे हुआ और कैसे स्लो डाउन हुआ ये दोनों चीज समझ में आ गई

यहां पर तो वैसे लोग टी शर्ट जींस पहनते नहीं थे तो गांव में तो कपड़े रोल नहीं था पर गांव में किस चीज का रोल था गांव में यह रोल था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स का है ना क्योंकि तालुकदार और लैंडलॉर्ड इन पेजेंट्स को बहुत परेशान करते थे क्यों भैया टैक्स दो है भैया रेंट दो भैया जमीन दे दो तो ऐसे करके बहुत परेशान करते थे तो उन्होंने बोला कि चलो अब जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया है अब हम कोई इनको रेवेन्यू नहीं देना चलो बाढ़ में जाओ ठीक तो है तो बहुत सारी जगह नाई मतलब ऐसा नहीं कि, कि कपड़े धोने वाले और बाल काटने वाले ने स्ट्राइक चालू कर दी इसका मतलब मतलब एक स्लैंग मतलब ये है कि जितने भी ऐसे काम करने वाले लोग थे जो कि सर्विस होती थी अमीर लोगों के लिए उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। तो जो अमीर लोग थे जो जो करेंगे क्या भैया घर कितना गंदा हो गया बाल काटने वाला भी कोई नहीं कपड़े धोने वाला भी कोई नहीं पोछा लगाने वाला भी कोई नहीं खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है ठीक है या कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है ठीक है तो ये चीज उन्होंने चालू कर दी है ना जून 1920 अब 1920 जून के अंदर इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू खुद आए यहां पर और उन्होंने पूरा अवध के जितने भी लोग थे उन बातचीत करना चालू की कि भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भैया हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करें हम बिल्कुल लोगों की सारी समस्या समझा तो वो आए यहां पर उन्होंने सबसे बात की और अक्टूबर के अंदर किसान सभा अब तुम बोलो भैया क्या है तो अवध कुछ नहीं है अवध मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है पर बात एक ही है अवध और ये मतलब मतलब उसका अवध ही है ठीक है थोड़ा आउद भी अवध जैसे साउंड कर रहा है तो ये इसकी स्पेलिंग उस टाइम पे ऐसे दे दी गई होगी ठीक है तो औ किसान सभा सेट की जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग ठीक है तो इस ये चीज समझ में आ गई है ना तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि इनके साथ में थोड़ा आ, ये सब कहा चल रहा है भैया कंट्री साइड मतलब गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्रामीण क्षेत्र में या गांव के जो रूरल इलाकों में जवाहरलाल नेहरू आए और बाबा रामचंद्र के साथ मिलके ये औ किसान सभा लॉन्च की जिसके अंदर उन्होंने सारे ऐसे पेजेंट्स को साथ में लेके चलने की कोशिश की अब दिक्कत ये हुई कि इनकी जो मूवमेंट थी इससे कांग्रेस के कुछ लीडर खुश नहीं थे खुश क्यों नहीं थे क्योंकि ये जो तालुकदार और ये जो लैंडलॉर्ड है जिनके खिलाफ ये गरीब पेजेंट लड़ रहे हैं ये लोग ही तो कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे भाई कांग्रेस को मूवमेंट करने के लिए पैसा कहां से आता है ऐसे ही अमीर लोगों से आता है जो कि कांग्रेस का पार्ट है तो कुछ लोग जो थे कुछ लीडरशिप जो थी वो इस कारण से खुश नहीं थी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब तालुकदार और जो मर्चेंट्स के जो हाउस है ये जो तालुकदार हो गए या फिर जो मर्चेंट्स हो गए या फिर जो बड़े बड़े लोग हो गए उनके घरों को लूटना चालू कर दिया उनके बाजार को लूट लिया गया ठीक है और बहुत सारी जगह पे अब देखो क्या हुआ कि चूंकि जब आ, आ, जब हवा चलती है तो फिर लोग एक की चार लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोल दिया कि भैया गांधी जी ने बोला है कि टैक्सी मत दो कुछ भी मत करो तो <laughs> तो जब ऐसा हुआ और गांधी जी ने ऐसा भी डिक्लेयर कर दिया है कि जो लैंड था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब गरीबों के सब पेजेंट्स के पास में जबकि गांधी जी ने ऐसा बोला ही नहीं गांधी जी बोला कि भाई मैंने कब बोला यार तुम लोग तो कुछ भी बोल रहे हो तो लोगों ने क्या किया लोगों ने ऐसा प्रिज्यूम कर लिया कि गांधी जी ने बोला होगा कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो तो लोग बड़े खुश हो गए ठीक है और महात्मा जी के नाम पर ना सारे जितने भी लोगों की खुद की एस्पिरेशन थी खुद का गुस्सा था वो सब महात्मा गांधी के नाम पर निकाल रहे थे कह रहे अरे मार जाके क्यों नहीं मार रहा उसने बोला भाई मैं क्यों मारू तो बोला अरे गांधी जी ने बोला जब मार 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 जबकि गांधी जी ने कुछ बोला ही नहीं तो ऐसे सिनेरियो होने लग गए थे ठीक है अब कंट्री साइड आ गया, गया मतलब टाउन होगा कुछ आदिवासी हो गया, इस का कुछ, ठीक है? चलो अब इनके लिए गांधी जी का जो स्वराज कह रहा था वो कुछ अलग तरीके से था ठीक है इन्होंने क्या किया एक मिलिटेंट गुरैला मूवमेंट मिलिटेंट गुरैला मूवमेंट मतलब कि मतलब छोट कुछ लोग जो कि मिलिट्री या फिर इस टाइप से किसी चीज के अगेंस्ट लड़ते हैं

बड़े बड़े जो खेत थे वहां पर उनकी एंट्री बंद कर रखी थी खेत नहीं यार फॉरेस्ट जंगल ठीक है जंगल के अंदर उनकी एंट्री बंद थी लोगों की अब भैया जंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ट्राइबल एरियाज ना ट्राइबल पीपल तो ट्राइबल पीपल की तो लाइवलीहुड पूरा जंगल से चलता है उनका खाना पीना रहना सब कुछ जंगल से ही लिंक्ड है अब ब्रिटिशर्स ने उनको अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी कि तुम इन फॉरेस्ट के अंदर नहीं घुस सकते हो तो वो लोग तो यही सोच रहे थे ना तब से कि भैया यार हमारा तो खाना पीना ऐसा आता है। हम लकड़ी, पत्ते ये सब चीजें वहां से आती है हमारे तो रहन सहनी वहां से चलता है तुमने हमको वहीं जाने से रोक दिया तो लोग इसलिए गुस्सा थे अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया गांधी जी आए तो उनको लगा कि चलो अब हम भी आके हमारी तरफ से लड़ाई करते हैं ठीक है ठीके? तो इन्होंने क्या किया ये अब और देखो फ्यूल वुड फ्रूट्स ये सारी चीजें मतलब खाना पीना लाने के लिए तो बंदी था ठीके? और उनके जितने भी ट्रेडिशनल राइट्स थे, जो उनके बेगार मतलब कि अनपेड वर्क मतलब कि तुम काम करो मेरे खेत में पर मैं तुमको पैसा कुछ नहीं करूंगा तुमको करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे नौकर हो जो मैं बोलूंगा करोगे तो लोग इससे भी थक चुके थे ठीक है अब अल्लूरी सीताराम राजू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये इन्होंने ऐसा प्रोक्लेम किया था यह कहां के है भाई? इन्होंने जो था ये ट्राइबल के लोगों का जो मूवमेंट था ये यही लीड कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू जैसे इससे पहले वाला हमने देखा था ना कि बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने क्या था वैसे ट्राइबल एरिया में अल्लूरी सीताराम राजू ने लीड किया था अल्लूरी सीताराम राजू ऐसा बोलते थे कि मेरे पास में कुछ स्पेशल पावर से भगवान की ठीक है और लोग भी इनको मानते थे कि भगवान का ही एक अवतार है लोग इनको भगवान की तरह मानते थे और ये भैया हाँ हमको नॉन कोपरेशन पूरा पूरा साथ देना चाहिए और ड्रिंकिंग मतलब शराब वराब ये सब बंद कर देनी चाहिए और खादी पहनने के लिए भी बहुत आ, वो थे सपोर्टिव थे कि भैया खादी तो लोगों को पहनना ही चाहिए ठीक है चलो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे अब प्लांटेशन के अंदर स्वराज का रोल प्ले करा था प्लांटेशन मतलब जो जो लोग प्लांटेशन करते थे है ना मतलब जो जो लोग अपना खेती बाड़ी में वाला काम करते थे तो जैसे आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स है इनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो फ्रीली इन राउंड मूव कर सके क्यों क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट एटीन के अंदर ब्रिटिश ने एक मस्त लॉ पास किया उन्होंने बोला कि इस एरिया के अंदर जो लोग है वो इस लैंड से बाहर ही नहीं जा सकते मतलब एक जगह तो जो ट्राइवल लोग थे उनके लिए इन्होंने बोला था कि तुम अंदर नहीं आ सकते और इन लोगों को बोल जाए तुम बाहर नहीं जा सकते मतलब इनकी कोई जिंदगी नहीं ये बस वहीं जाएंगे वहीं मर जाएंगे तो यहां पर इन लोगों को लगा जो प्लांट आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स है इनको लगा कि भैया अब नॉन ऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि हमको इनके सुनना नहीं इनके साथ नहीं करना तो ये भी भाग गए है ना ये लैंड छोड़ के भाग गए अब ऑलो दिक्कत कि जब भागे तो ज्यादा दूर जा नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया पकड़ के लिया क्योंकि जब भाग के जा रहे थे तो इनकी तो तुर किस्मत इतनी खराब थी कि वहां पर एक रेलवे स्ट्राइक चल रही थी उससे ये आगे जा नहीं पाए लोगों की भीड़ थी या जो भी ट्रेन व्रेन पर कोलैंड जो भी हुआ होगा वो स्ट्राइक वहां पर ऑलरेडी चल रही थी तो उससे आगे जा नहीं पाए ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया और मार मार के वापस अंदर कर दिया ठीक है तो ये चीज दिक्कत हो रही थी ठीक है अब ये सारा सीनेरियो चल रहा था अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर एक चोरी चोरा इंसिडेंट आता है चोरी चोरा इंसिडेंट क्या होता है भाई चोरी चोरा इंसिडेंट के अंदर ये था कि अगेन फिर से वही चीज हुई कि एक पीसफुल प्रोसेशन था लोगों कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने या कुछ लोगों कुछ ऑफिसर्स ने उनके ऊपर फायरिंग किया कुछ वायलेंस का यूज किया तो लोगों ने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया मतलब पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया इसके अंदर कुछ उन्नीस या बाईस लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदा जल गए जो पुलिस ऑफिसर्स थे और दो तीन जो सिविलियंस थे उनकी भी जान चली गई इतना खतरनाक इंसिडेंट मतलब पुलिस वाला आया उन्होंने सोचा कि थोड़ी बहुत गोली मारेंगे लोगों को डराएंगे तो लोगों ने उनका पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया पर गांधी जी को चीज बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये नॉन वायलेंस के खिलाफ थी तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया यानी कि बंद कर दिया ठीक है ये देखो चोरी चोरा इंसिडेंट तो ये 1922 फरवरी के अंदर गांधी जी ने इसको बंद कर दिया ठीक है अब आते हैं सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की तरफ सिविल मूवमेंट के बाद में क्या हुआ कि गांधी जी ने नॉन कपेशन मूवमेंट किया तो अब देखो क्या हुआ कि ये मूवमेंट होने के बाद में बहुत सारे लोगों को रियलिटी चेक मिला कि भैया क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बहुत सारे लोग थे उनके साथ में बहुत सारे कंफ्यूजन हो गया मतलब वो लोग अब अलाइंड नहीं थे प्रॉपरली है ना कुछ लोगों की कुछ और मान्यता ही थी कुछ लोग कुछ और मान रहे थे तो लोगों के अंदर ये इंटरनल डिबेट बहुत चलने लगी कुछ लोग जो थे उनको लगा कि ये मास स्ट्रगल और बिल्कुल ऐसे लड़ना इससे कुछ नहीं होगा इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हमको अगर ब्रिटिशर्स को गिराना है तो सरकार के अंदर घुस के गिराना पड़ेगा हम बाहर से लड़ लड़के इनकी इमारत नहीं गिरा सकते हमको इमारत के अंदर घुस के ही इनको गिराना पड़ेगा कुछ लोगों को ऐसा मानना था ठीक है तो इसीलिए सी दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने सोचा कि यार हमें काम करते हैं हम कुछ लोग जो भी हमारे सपोर्ट में हैं हम अलग से काम करते हैं हम रहेंगे कांग्रेस कौंग, में ही पर आप लोग ये एजुटेशन वाला काम करो मतलब लड़ने का काम करो और हम लोग इलेक्शंस में पार्ट लेने वाला काम करेंगे तो इन्होंने स्वराज पार्टी लॉन्च कर दी विद इन कांग्रेस ठीक है पर जो जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे इनको लगा कि यार मास एजुटेशन ही ज्यादा जरूरी है पूरी इंडिपेंडेंस के लिए क्योंकि अंदर से अगर जाके हम लड़ेंगे तो हम पूरी इंडिपेंडेंस नहीं ला पाएंगे ठीक है तो ये अलग अलग मान्यताएं थी ठीक है अब देखो यहां पर अगेन 1926 के आसपास एग्रीकल्चर की प्राइस भी कम होने लगी क्यों क्योंकि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था कोविड के टाइम पे कैसा होता था कि पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था ठीक है मतलब इकोनॉमी सब जगह की डाउन चल रही थी वैसे 1926 में भी यही चीज हुई थी और तक पूरी ही खत्म हो गई थी तो इसीलिए जो प्रेजेंट्स है इनका रहना बहुत इनका मतलब गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था क्यों क्योंकि भैया इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह पे इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गिर गई है एग्रीकल्चर की डिमांड या एग्रीकल्चर के जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस है वो बिल्कुल ड्रॉप हो गई है तो उनको जो बेच के पैसा मिलता था पेजेंट्स को अपनी फसल को बेच के जो पैसा मिलता था वो उनको मिलना बिल्कुल बंद हो गया तो उनके लिए और दिक्कत होने लगी पर उनसे फिर भी रेवेन्यू वसूल करना था ब्रिक सिंपल था कि तुम पैसा ना भी कमा तो भी मुझे तो पैसा दो ठीक है तो नाइनटीन में कंट्री साइड यानी कि जो गांव वाला था वो पूरा कंफ्यूजन में था कि भाई अब हम करें क्या हम तो बिल्कुल पागल हो गए हैं मतलब हमारी तो फसलें आ नहीं रही और ये तो हमसे रेवेन्यू लिए जा रहे हैं तुम उनकी मंशा एक बार समझो तुम सोचो कि आज तुमको सरकार बोल दे तुम्हारे मान लो तुम्हारे घर के सब लोगों की नौकरी छोड़ गई तुम बिल्कुल तुम्हारे घर में एक रुपया भी नहीं आ रहा फिर भी सरकार तुमको बोले कि तुमको हर महीने एक लाख रुपए भरना है तुम कहां से लाओगे पैसा तो ये कंफ्यूजन इनके साथ में भी हो रहा था ठीक है चलो अब साइमन कमीशन अब देखो क्या हुआ कि चूंकि ये इतना सारा कंफ्यूजन चल रहा था इंडिया के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया था तो ब्रिटिश की भी फट गई थी कि भैया यार ये इन्होंने एक एक मतलब ऐसा एक बड़ा सा इवेंट कर ले तो यार इतना सब कुछ हो गया तो बाद में जब कुछ और बड़ा कर देंगे तो क्या होगा तो इसलिए इनको पहले शांत करना पड़ेगा तो ब्रिटिशर्स ने साइमन जी और उनकी टोली को भेजा एडवाइस करने के लिए ठीक है तो ये भाई साहब इंडिया में आए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाने को चले साइमन भैया आए अपनी टोली लेके अपने समझदार लोग लेके आए आठ दस लोग लेके आए होंगे और फिर उन्होंने देखा होगा चलो आ जाओ हम ना यहाँ पर एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाएंगे और उस उस जो काउंसिल थी उनकी साइमन कमीशन जिसको बोलते हैं उस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन था तो इंडियन लोगों ने सचा तुमने पागल समझ के रखा मतलब तो हमारे हमारे लिए लिए बना दे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कर दे और हमारे हमारा कोई एक भी आदमी ना उसमें एक भी इंडियन ना हो तो जब ये साइमन भाई साहब आए तो इनको है ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्रीट किया गया सब ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर और ये जो लॉर्ड इरविन था लॉर्ड इरविन जो था

मतलब हमको तुम्हारे डोमिनेंस स्टेटस भीख में नहीं चाहिए भाड़ में जाओ एक लाख देंगे तुमको हमको पूरा पूर्ण स्वराज चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ठीक है ये सारी चीज हुई

कि कि नॉन कोऑपरेशन में था कि हम नहीं करेंगे पर सिविल है कि कि डिसओबे करना मतलब कि जो लॉज बने हैं सुन रहे थे पर अब जो पुराने है, वो भी हम तोड़ेंगे ठीक है लोगों ने अगेन वही चीज फॉर सबसे सिंपल काम था थोड़ा कुछ थोड़ा सा थो थो और दारू की दुकानें लूट लो ठीक है तो अगेन प्रेजेंट uh, ने अगेन रिफ्यूज कर दिया स्टूडेंट्स और और ये सब लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज से मना कर दिया सेम वही चीज इतनी तो ठीक है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट uh, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि सोल्ट मार्च यानी कि या फिर डांडी मार्च तो गांधी जी ने सोचा कि, यार एक जो सब लोगों को पड़ता कि वो अमीर है गरीब है छोटी जात है बड़ी जात है कैसी भी जात हो कुछ भी कास्ट हो कहीं का भी हो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो कोई भी रिलीजन फॉलो करता हो नमक एक ऐसी चीज है जो कि सब लोगों को यूनाइट करती है जो कि सब लोगों को जिसकी जरूरत है अब नमक के ऊपर गवर्नमेंट की मोनोपोली यानी कि सरकार के अलावा कोई भी नमक नहीं बना सकता तो गांधी जी ने सोचा कि यार सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करने का इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है कि हम नमक ही बना दें सरकार ने बोल रखा है कि हमारे अलावा कोई नमक नहीं बनाएगा पर सिविल डिसओबीडियंस के मूवमेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर हमको उनके लॉस तोड़ना ही तो है तो सॉल्ट लॉ तोड़ देते तो उनका तो इस सोल्ट लॉ तोड़ने के लिए गांधी जी अपने आश्रम से ठीक है अच्छा हाँ बेसिकली गांधी जी ने पहले डायरेक्टली नहीं किया गांधी जी ने बोला इरविन को कि मेरी ये हमारी डिमांड्स डिमांड्स इन 11 को तुम पूरा कर दो ठीक है तो पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो नहीं करेंगे तो गांधी जी ने बोला ठीक है मत करो हम लेते चलो दांडी मार्च करने चले जाएंगे हम तो गांधी जी अपने सेवेंटी एट वॉल्टियर्स के साथ में गए साबरमती से लेके दांडी तक ठीक है ये वॉलेंटियर्स रोज मतलब चौबीस दिन तक चले

यहां से स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट अब इसी के साथ साथ हजारों लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब ये तो चलो गुजरात में होगा ऐसे ही कई सारे लोगों ने साउथ में या कहीं इधर उधर इधर उधर सब जगह पे जहां जहां भी कोस्टल रीजन था वहां पर सॉल्ट बनाई और उनके सामने जा जाके दिखाया कि देख तेरे सामने सॉल्ट बना दी भाई से मतलब ब्रिटिश के सामने ठीक है तो यह सिविल डिसोबेंस मूवमेंट यहां से स्टार्ट हो गया ठीक है अब ये कुछ चीजें हुई ठीक है जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ तो होगा भाई रिएक्शन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ज्यादा रिप्रेस करना चालू कर दिया मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और चीज की कि भैया हम तो अब एक एक करके सारे कांग्रेस लीडर्स उठाएंगे इनका बहुत सिंपल सा काम था कुछ भी नया मूवमेंट हो रहा हो तो भैया लोगों को उठा के जेल में पटक दो सिंपल सी चीज कोई कुछ बोल रहा है हाँ आ जा बेटा जेल में उठा के पटक दो तुझे इस टाइप से बढ़िया इनका सिस्टम था कि भैया हमको सबको उठा के जेल में ही पटकना है ठीक है चलो अब्दुल गफार खान इनको भी अरेस्ट कर गया, 1930 में ये गांधी जी के बहुत थे, थे। ही ने, ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया मतलब तुम सोच रहे हो <laughs> गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तो लोग तो पागल हो गए कि भैया गांधी जी को कैसे अरेस्ट कर लिया तुमने वे मतलब ठीक है तुम कर रहे हो वो सब अलग बात है गांधी जी को डायरेक्ट तो इसीलिए शोलापुर के अंदर पूरा का पूरा वॉयलेंस जो है वो ब्रोक ब्रोकआउट मतलब वॉयलेंस आ गया सब लोग वापस लड़ने लगे और ब्रिट अब देखो क्या हुआ कि अब चूंकि फ्राइटन ये ध्यान से पड़ो। इस फ्राइटन गवर्नमेंट मतलब कि सरकार जो थी उसकी फट चुकी थी अब तो हमारी अब क्या करेंगे ठीक है मतलब ये लोग तो गांधी जी को इस करने इसके नगर पागल हो गए तो ये लोग तो मारने मारने पे उतर आए हैं तो अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा तो हम भी बदले में मारते हैं अब हमारे पास बचा क्या हम ऐसे बैठ के देखेंगे तो सही नहीं क्या जब बटा मार लो ऐसा तो होगा नहीं तो हमको भी बदले में मारना ही पड़ेगा तो ये पूरा वॉयलेंस चालू हो गया अब गांधी जी को अगेन फिर से ये चीज दिखी कि यार फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया यार जैसे नॉन कॉपरेशन में तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको भी बंद कर दो क्या किया इन्होंने कि नाइनटीन में फिफ्थ मार्च नाइनटीन को इन्होंने इरविन के साथ में एक पैक्ट के अंदर आने की

वो खास कुछ वहां से नहीं लेके आ पाए ठीक है थीके? तो उनको वहां से डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ अब जब गांधी जी इंडिया पहुंचे देखो तब व्हाट्सएप तो होता नहीं था है ना? अभी तो क्या होता है कि भाई केरला के अंदर कुछ हुआ तो कश्मीर में पता चल जाता है एक सेकंड के अंदर तब तो नहीं था है ना? तब तो WhatsApp था नहीं तब तो न्यूज पेपर भी छपते थे ऐसा एक कुछ, 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 कुछ भी कनेक्ट तो था नहीं है तो ये ऐसी कुछ सुविधा तो उपलब्ध नहीं थी तो गांधी जी को उस पता ही नहीं चल रहा था कि इतने दिन जब तक तो लंडन में तब तक तो इंडिया में क्या चल रहा है ठीक है तो वो तो यार वहां से डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल हताश हो गया कुछ बात सुनी नहीं ढंग से कुछ भी हो नहीं पाया जब वो इंडिया उन्होंने देखा अभी ये क्या चल रहा है वो शौक में आ गए क्योंकि भैया यहां पर तो कुछ और ही कहानी चल रही है मतलब वो वहां गए शांति स्थापित करने के लिए और यहां पर ब्रिटिशर्स ने और ही कुछ नया दंगे चालू कर दिए वो एक एक करके सबको अरेस्ट करने लग गए सबको गफार खान और जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में पटक दिया ठीक है तो ये दोनों जेल में चले गए कांग्रेस को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गए ब्रिटिशर्स ने यहां पर कांग्रेस को इन बता दिया कि भाई ये लीगल ही नहीं है फालतू चीज है इीगल है ठीक है और ऐसे करके बहुत सारी मीटिंग्स डेमोस्ट्रेशन सबको बंद करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई तो महात्मा गांधी ने बोला कि भैया मैं थोड़े दिन के लिए बाहर के गया तुमने तो अपना बिल्कुल सब कुछ चालू कर दिया तो अब मैं फिर से सिविल डिसोपीडेंस मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूं तो नाइनटीन थर्टीटीन थर्टी कहां की बात है अच्छा हाँ इसी साल की बात है तो यहां पर ही वापस से सिविल डिस्पिडेंस मूवमेंट लॉन्च हुआ पर 1934 तक वापस से धीरे 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 करके ठंडा पड़ गया ठीक है ये देखो ये पूरी साइकिल है जब इनको अरेस्ट कर ले गया तो शोलापुर में वायलेंस ब्रेक आउट हुआ उसके बहुत सारा वायलेंस होने गया फिर 1932 में रीस्टार्ट हो गया क्यों क्योंकि जब वापस आया तो उनको दिखा कि भैया तो मन से अपनी मनमति कुछ भी चालू कर दिया और स्टॉप हो गया ठीक है अब सिविल डिस्टोपेडेंस मूवमेंट अलग अलग जगह पे कैसे काम कर रहा था जैसे अभी हमने ना अभी हमने देखा ना जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कंट्री साइड टाउन ट्राइबल वैसे सिविल मूवमेंट का क्या रोल था? तो तो था, था ना कि अलग अलग लोगों के लिए क्या -क्या मायने रखता है तो यहां पर सबसे पहली चीज थी रिच पेजेंट्स के लिए ऐसा था छुटकारा मिलेगा मतलब बिजनेस जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं बिजनेस माइंड के तरह से ग्रो होगा और हमको की जरूरत नहीं पड़ेगी किसका रेवेन्यू देना कब देना है कितना देना है ठीक है तो ये चीज समझ में गई इनके लिए फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज पर ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे जब 1931 के अंदर सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट जो है वो वापस ले लिया गया था और रेवेन्यू रेट्स को भी रिवाइज नहीं किया गया था मतलब कि सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट आया ये बड़े जोर शोर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जब वो बंद हुआ तो इनके जो रेट्स थे रेवेन्यू के वो

ठीक है इनको लगा कि भैया जितने भी जो इनका अनपेड अनपेड वाला वाला रेंट रेंट है 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 वो वो ठीक पूरा सेटल हो जाए ठीक है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इनकी भी जो थी कुछ कुछ जो कुछ कुछ मूवमेंट थे वो सोशलिस्ट ने ने लीड लीड किया किया कुछ कुछ कम्युनिस्ट ठीक है अब दिक्कत क्या थी पोअर पेजेंट के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सिविल दिक्कतेंस मूवमेंट इनके लिए बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए क्यों उसका रीजन थी खुद कांग्रेस क्यों क्योंकि भैया कांग्रेस को डर था कि अगर हम पोअर पेजेंट का साथ देंगे तो रिच जो हमारा सपोर्ट करते हैं वो चले जाएंगे सिंपल सी बात है भाई और रिच चले गए तो बहुत सपोर्ट चले जाएगा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट चले जाएगा तो करेंगे क्या फिर हम ठीक है तो इसलिए ये अपनी रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते थे तो इसलिए इन्होंने पुअर के साथ में ज्यादा इनकी ढंग से बॉन्डिंग नहीं हो पाई ठीक है मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे डालम डोल चलता ही रहा अब बिजनेस क्लास लोगों के साथ में क्या हुआ बिजनेस क्लास अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ ना तब इंडियन मर्चेंट थे वो बहुत उन्होंने बहुत पैसा कमाया क्यों भाई क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो स्टील की चीजें थी है ना ये जितना भी था उस टाइम पे बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ था बहुत ज्यादा स्टील इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर हुई थी तो उसके कारण जो इंडियन बिजनेस क्लास लोग थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया बहुत ही शोहरत कमाई बहुत बहुत पैसा कमाए बहुत पावरफुल बन गए ठीक है और इस सारी चीज को अब चूंकि धीरे धीरे बिजनेस ग्रो हो रहा था इंडिया में वर्स्ट वर्ल्ड के बाद में मतलब डेफिनेटली बहुत सारा बिजनेस धब्ब हो रहा था बहुत सारे लोग मर रहे थे बहुत सारे लोग बिल्कुल खत्म हो गए थे लोगों के पास में रोटी नहीं थी खाने के लिए पर फिर भी कुछ लोग ग्रो हो रहे थे हमेशा जब भी कुछ भी आपदा आती है तो भले ही बहुत सारे लोग जमीन में गिर रहे हो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हो पर कुछ सेट ऑफ लोग होते हैं जो कि उस आपदा में बहुत अमीर बन रहे हैं ठीक है

एक हिस्ट्री बता देता हूँ घनश्याम दास बिरला जो है वो आज कुमार मंगलम बिरला जिनका आदित्य बिरला है उनके परदादा है ठीक है भाई तुम सोचो भाई क्या खतरनाक फैमिली है ये बिरला वाली ये जीडी बिरला तब से यहां पर अपने उसमें है ठीक है अच्छा ये कहा ये, ये जो फेडरेशन थी या जो भी था ये चीजें कहां काम आई ये चीजें इसलिए काम आई क्योंकि देखो जब से एक संगठन होता है तो गांधी जी या किसी के लिए भी एक संगठन के पास आके उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है बजाय कि एक एक एक, एक, एक आदमी को ढूंढने के ठीक है तो इन्होंने सिविल मूवमेंट में बहुत पार्ट दिया। इन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब हाथ मिला के गांधी जी और इन सबके साथ में काम किया ठीक है अच्छा अभी जो जी बिरला है इनकी मैंने तुमको बताई घनश्याम दास बिरला आज कुमार मंगलम बिरला तुम्हें पता आदित्य बिरला ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला आज जो आदित्य बिरला ग्रुप है भाई आदित्य बिरला ग्रुप मतलब क्या अरे पेंटलून जिसका रह चुका है पता है ना सब रिलेट कर पा रहे हो भाई मेरा काम मैं मतलब मैं इसलिए बोल रहा था कि कि इसको इंटरेस्ट के साथ देखो ये सारी चीजें आज की डेट में भी लिंक्ड है ये जीडी बिरला जिनके हम यहां बात कर रहे हैं ये आज के जो कुमार मंगलम बिरला है उनके पर दादा है मतलब उनके पापा के पापा के पापा है ना पापा के पापा दादा और दादा के पापा पर दादा हाँ ठीक है और कुमार मंगलम बिरला इनके पर बहते हैं

आई थिंक इनका सरनेम है मुखर्जी पता नहीं पर सभ्य इंडिया की सबसे बड़ी डिजाइन कंपनी या डिजाइनर कंपनी है जिसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं मतलब जो ब्राइडल कपड़े हो गए ना जैसे शेरवानी टाइप हो गया टाइप की चीजों हो गई सभ्यसाची तो उसमें भी मेजर स्टेक इनका है मसावा में मेजर स्टेक इनका है लुई फिलिपी देखते हो ना मॉल के अंदर जाके लुई फिलिपी जो हमको दिखता है जिसको हम लुईस फिलिपी बोलते हैं ठीक है वो लुई फिलिप है और वो जो लुई फिलिप है वो जो ब्रांड हमको लगता है कि अरे यार लुई फिलिप के कपड़े पहनूंगा मैं तो मेरे पास भी एक शर्ट मैं एक दो शर्ट रखी हुई है तो हमको लगता था कि अरे भैया फॉरेन कंपनी फॉरेन की नहीं है इंडियन कंपनी इंडियन ओरिजिन की और आदित्य बिरला की ही है ठीक है <laughs> मतलब लुई फिलिप नाम अंग्रेज होने से कंपनी अंग्रेज नहीं होती है लुई फिलिप तो बस एक फ्रेंच पता नहीं कौन से लीडर का नाम था तो उन्होंने नाम रख दिया और वो आज चला रहा है ठीक है तो कुल मिला के ऐसा मत सोचा करो कि भाई अंग्रेज नाम है तो अंग्रेजी होगा ठीक है और अब आज के डेट में इनके पास में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं मतलब वैन हूसन हो गया और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी ग्रुप के आसपास uh, टॉमी हाइल फिगर हो गया अब ऑल्दो ये इनकी ओल्ड ब्रांड्स नहीं है पर इनके साथ में ये इंडिया में बिजनेस इनके साथ में ही करते हैं मतलब टॉमी हाइल फिगर और uh, वेन ह्यूसन ये सब जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया में इनके साथ में बिजनेस करते हैं मतलब इंडिया में जो बिजनेस इनका इससे ही चलता है और उनके पर, पर दादा कौन जी डी बिरला अच्छा इनके पर पोते जो है कुमार मंगलम बिरला इनके जो बेटे हैं वो क्रिकेटर है आर एम एन बिर्ला अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है मतलब अब आजकल शायद खेलते नहीं पता नहीं क्या हुआ उनका मैं ज्यादा मुझे पता नहीं है इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है मेरी ठीक है पर चूंकि बिजनेस वगैरह मैं देखता रहता हूं तो मुझे ये चीज याद थी इसलिए मैंने तुम्हें बता दी ठीक है तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट अपोर्ट किया और स्वराज इनके लिए कहता है कि भैया कोई भी कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन बिजनेस ऐसे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन मतलब कि भैया हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली नहीं कर सकते है ना क्योंकि कॉलोनी में रहते हैं हम कॉलोनी मतलब ऐसा नहीं कह रहे रामनगर तिलक नगर सिविल लाइन कॉलोनी मतलब हमें ब्रिटिश कॉलोनी है ठीक है चलो पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या हुआ उनकी, उनकी enthu था, था, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट uh, नहीं किया था ठीके? सिर्फ नागपुर रीजन ने पार्टिसिपेट किया था बाकी रीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया था कई सारे कारण हो सकता है वो भी कारण हो सकता है ठीक है वो जो अमीर गरीब वाला बताया था मैंने तुमको फिर इन्होंने कुछ कुछ आइडियाज फॉलो कर लिए गांधी जी के जैसे फॉरिन कर देंगे ठीक है और

जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए या फिर ये जो छोटे छोटे छोटा नागपुर में मतलब छोटे छोटे रेलवे वर्कर्स डॉग वर्कर्स छोटा नागपुर में माइन के वर्कर्स हो गए इन सब लोगों का कांग्रेस बहुत खुल के सपोर्ट नहीं कर पाई क्योंकि अगेन अगर वो इनका सपोर्ट करती तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, है ना, वो कांग्रेस के सपोर्ट में कैसे रहते ठीक है ठीके? चलो विमेन का कह रहा था भाई वुमेन भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पार्टिस ने टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट किया और जितने भी विमेन के, जितने भी भी के 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 गांधी जी वो वो होते थे, वो जो होते थे थे जो स्पीचेस उसमें बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा लेती थी हालांकि हमें बहुत ज्यादा देना चाहिए था हमारी हिस्ट्री किताबों के, के अंदर पर वुमेन का बहुत ज्यादा रोल यहाँ पर दिया नहीं हुआ है मुझे अच्छा नहीं लगता लगता है सोचते हुए पर इतनी बात दी हुई है कुछ को जेल भी भेज दिया गया ठीक है पर फिर भी ऐसा माना गया कि यार वुमेन का जो मेनली जो रोल है वो प्रिमेटिव वाला है मतलब घर बार संभालने वाला ही है और चूल्हा चौका वाला ही है तो ज्यादा ये अपना इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ऐसा माना जाता था, था पर डेफिनेटली इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा ही होगा ठीक है अब इसके लिमिट्स क्या क्या थे लिमिट्स मतलब कि भाई इसकी कमजोरी कहां कहां आ रही थी तो सबसे पहली चीज कि भाई इफेक्ट जो थे बहुत लिमिटेड थे अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत ही कम दलित ऐसे थे जिनका पार्टिसिपेशन देखा गया था

ठीक है अमीर आदमी गरीब आदमी के साथ नहीं रहना चाहता गरीब अमीर के साथ नहीं रहना चाहता हायर कास्ट वाला लोअर कास्ट के साथ रहना चाहता लोअर कास्ट वाला हायर कास्ट के साथ रहना मतलब कितनी सारी समस्या ठीक है तो ये चीज हुई अब अब यहां पर रोल आता है किसका रोल आता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर का डॉक्टर बी आर अंबेडकर ठीक है जो कि खुद बहुत स्ट्रगल किए हुए थे अपनी लाइफ में

जिसको बोलते हैं, पर है, तो फिर गांधी जी और डॉक्टर के बीच में कर दी कि जब भी इंडिया आजाद होगा तो रिजर्व सीट्स रहेंगी डिप्रेस क्लासेस के लिए मतलब गांधी जी प्रॉमिस रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया ठीक है अब ये चीज समझा साइन ये जो हुआ ना ये कहां हुआ था भैया बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पूरा साइनिंग वाइनिंग हुई थी इसको बोलते हैं पूना पैक्ट ठीक है पूना पैक्ट पूना ठीक है पूना, पूना पैक्ट अब सिविल डिसोपिडेंस के टाइम पे कई सारी कम्युनिटीज ऐसी भी थी जिनको एलियनेटेड फील होता था मतलब कि ऐसा लगता था कि यार हमारे लिए कुछ नहीं है क्योंकि कांग्रेस जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को उसमें भी किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों का ही ज्यादा हिस्सा दे रही है मतलब विजिबल जो लोगों को दिखता था कि भैया कांग्रेस ज्यादा इनका ही साथ दे रही है

भले ही मैं और मेरा दोस्त किसी भी धर्म को बिलोंग करता है किसी भी जाति को बिलोंग करता है किसी भी जगह को बिलोंग करता है पर एक या कुछ ऐसी चीजें कौन सी है जो हमें एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस देती है इसका मतलब जब आज क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मां तुझे सलाम बजता है तब सब लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं नो मैटर वॉट कि वह आदमी अमीर है या गरीब है इसका मतलब एक गाना हमें उस टाइम यूनाइट करता है 15 अगस्त को जब हमारा नेशनल फ्लैग होइस्ट होता है स्कूल के अंदर तब हम जब उस फ्लैग को देखते हैं ऊपर हवा में लहराते हुए तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम हम कहां से आते हैं हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है हम कौन से धर्म जात किसको बिलोंग करते हैं पर हमको उसे देख के प्राउड फील होता है वो एक झंडा जो है वो एक फ्लैग जो है वो एक कपड़ा जो वहां पर लहरा रहा है वो हमारे लिए एक प्राउड की बात है वो हमारे लिए ऐसा फील होता है कि ये ये एक झंडा हम सबको जोड़े रखे हैं

वो गाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हम आज भी एज नेशनल सॉन्ग अच्छा वंदे द नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम इज जनगणमन ठीक है तो जनगणमन इज नॉट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया और इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी भैया बताओ नहीं भाई इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है ठीक है जितनी भी लैंग्वेजेस उन्हें बोली जाती है वो सारी ऑफिशियल लैंग्वेज सबका इक्वल दर्जा है मतलब हिंदी का उतना ही दर्जा है जितना मराठी गुजराती तेलुगू तमिल मलयालम इन सबका दर्जा है तो हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ठीक है अब ये सेंस ऑफ तो कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब यही है कि भाई लोगों के एक्सपीरियंस जो थे यूनाइटेड स्ट्रगल्स के अगेंस्ट उनके साथ साथ मिलके हुआ जैसे सॉन्ग्स हो गए पेंटिंग्स हो गई इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ठीक है फोक टेल्स फ्रॉम विलेजेस मतलब कि जो कहानियां होती हैं कुछ जो हमें बचपन में दादा परदादा दादी जी दादा जी सुनाया करते थे वो सारी चीजें यहां पर यूज की गई ठीक है बाकी जैसे तो तुम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे शास्त्री का एग्जाम्पल है तो इस टाइप से चीज गई अच्छा सेंचुरी के अंदर इंडिया को विजुअली डिस्क्राइब करने के लिए भारत माता

री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ये जो चीज है ना चलो ये मैं तुमको अभी आगे चल के अभी देखो इस लेक्चर के एंड में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि एज इंडियन तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है तो लेक्चर के एंड का वेट जरूर करना ठीक है ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि इंडियन बैकवर्ड ये पुराने जमाने के फालतू लोग हैं उनको ऐसे लगता था ठीक है पर इंडिया जो है धीरे धीरे वापस से बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स वापस लाना चालू अच् करके आज के डेट में इंडिया बहुत आगे अपना नाम रोशन कर रहा है ठीक है ये सारी हर फील्ड में साइंस मैथमेटिक्स रिलीजन कल्चर लॉ फिलोसॉफी क्राफ्ट इन सब में इंडिया की जो इंडिया का जो काम है वो बहुत फेमस होने लगा ठीक है और ये जो पूरा ग्लोरियस टाइम था इसके बाद में जब कॉलोनिलाइज हुआ इंडिया मतलब जो ब्रिटिश राज आया तो ये सब धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गया ब्रिटिश जो है वो सारा इंडिया का जो रिच कल्चर था वो उठा के ले गए ठीक है चलो अब ये जो अगेन यूनिफाई करने के एफर्ट्स थे मैंने तुमको शुरू में बताया कि यार ये साथ में नहीं है मतलब बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों को हर चीज से बुरा लगा किसी कम्युनिटी के लोगों को किसी और चीज से बुरा लगा मतलब वही अमीर गरीब वाली चीज हो गई सारी वाली चीज हो गई तो वो चीज की बड़ी प्रॉब्लम होती रही ठीक है और इसी के साथ में एक और चीज है मूवी रिकमेंडेशन ये हमारी टीम की तरफ से है ठीक है तुम ये मूवी देख सकते हो मूवी uh, का नाम है गांधी 1982 में ये इंग्लिश मूवी है ये तुम देख सकते हो और तुम खुद इस मूवी को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भैया इंडिया के अंदर जो जो, जो भी चीजें हुई वो किस तरीके से हुई अब बिफोर एंडिंग द लेक्चर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज कि हमारी हिस्ट्री की किताबें द हिस्ट्री बुक्स दैट वी हैव आर नॉट फुल मतलब आर नॉट फुल्ली नॉलेज प्रूफ

हमें नहीं पता है सारी चीजें क्यों क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सब कुछ दिखता ही नहीं है क्यों नहीं दिखता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन है मैं तुम्हें पर पॉलिटिक्स पढ़ाने नहीं आया हूं पर तुम्हें एक चीज जरूर बता दू कि जो हमारी किताबें हैं इनके ऊपर हमेशा से जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जो हमें लगता है ना कि ब्रिटिशर्स ने हमको ये चीज दे दी है ब्रिटिशर्स ने हमको रेलवे मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही हमारे इंडिया के अंदर वो किया अगर ब्रिटिश ने तो हम बिल्कुल गंवारी रह जाते बिल्कुल बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ठीक है अब देखो मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी एक साइड खड़ा होकर बिल्कुल झंडा लेके खड़ा हो, ले हो जाऊं कि भाई हाँ हम ही सही है बाकी सब गलत है और दूसरे के खड़े हो जाओ ना हम ही सही है और बाकी सब गलत है मैं वैसा नहीं मैं बहुत ही रैशनली सोचता हूं ठीक है रैशनली मतलब कि जो सही हो सही हो जो गलत हो गलत है ठीक है जैसे कि जो ये हमारी सोच है कि ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया का भला ही किया है वो बहुत गलत है डेफिनेटली कुछ जगह भला किया होगा डेफिनेटली कुछ जगह जो जो सिस्टम्स आए हैं या जो अभी भी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो काफी इंफ्लुएंस है और काफी अच्छा है नो डाउट पर बहुत मैक्सिमम चीजें तो गलत थी ना अब हमको क्या लगता है यार ब्रिटिश ने रेलवे डाल दिया तो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर दान करने के लिए रेलवे नहीं किया कि भैया आ जाओ यार यार को बहुत प्यारे लोग हैं काम करते हैं इनके लिए रेलवे उन्होंने अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए बनाया था कि भैया उनका सामान यहां से सप्लाई हो वो पैसा कमाए इसलिए बनाया था तुम्हारे यहां से जलंधर से लेके मुंबई तक जाने के लिए जो ट्रेन है थर्ड एसी का जो ट्रैक बन जाए तुम्हारे लिए तो तुम बढ़िया डब्बे में बैठ के जाओ ताश के पत्ते खेलते खेलते उसके लिए नहीं बनाया था उन्होंने रेलवे ट्रैक ठीक है तो ये चीज पहले क्लियर रखो दूसरी चीज हिस्ट्री की किताबें बहुत इनकम्प्लीट है भाई बहुत ही ज्यादा इनकम्प्लीट है बहुत ही मेजर हमें नहीं पता है आज भी हमें नहीं पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ मिस्ट्री है उसका राज क्या है वो एक बहुत ही हिडन पॉलिटिकल ट्रेजर रखा हुआ है ठीक है।, है आज भी हमें नहीं पता है आज भी हमारी किताबों के अंदर आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ नहीं दिया गया जो कि सुभाष चंद्र बोस की थी नहीं पता है भाई आज भी मैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इनकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता आज भी मैं नहीं पता है चंद्रशेखर आजाद की पूरी हिस्ट्री ये सारी चीजें हमारी हिस्ट्री बुक्स में नहीं है क्यों नहीं है उसका रीजन ये है कि द ब्रिटिश द गवर्नमेंट दैट वी हैड या द ब्रिटिश रूल दैट वी हैड ऑलवेज उस रूल का ये मेजर ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की इमेज जो इंडियंस है उनके खुद के दिमाग में भी कभी अच्छे से सेट से नहीं होनी चाहिए इट मीनस कि हम हमेशा इंडिया को एक प्रिमिटिव कंट्री की तरह ही देखें हम हमेशा ये देखें कि यार हम तो बस आ, आ, मार्केट जाते हैं या जंगलों में जाते हैं लकड़ी वकड़ी लेके आते हैं और खाना चूल्हे पे सेक लेते हैं और सो जाते हैं ये मेंटेलिटी क्रिएट करनी थी लोगों के दिमाग में इसलिए हमारे जो पार्स थी वो हमें नहीं बताई गई हमारी किताबों में कोई बहुत ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं लिखा हुआ है है ना हमारे किताबों में कोई बहुत ज्यादा महाराणा प्रताप के बारे में नहीं लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान प् के बारे में नहीं लिखा हुआ है ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई है क्यों क्योंकि ये हमेशा से दिखाना था कि जो इंडियंस ओरिजिनली हैं बहुत कमजोर है जो कि नहीं है ठीक है वी आर नॉट वीक हमारी जो जो नस्लें हैं जो जहां से हम आए हैं ठीक है जो हमारे पूर्वज हैं फर्क नहीं पड़ता किसी भी धर्म जात किसी को भी बिलोंग करते हो पर जो इंडिया की टेरिटरी में है वो स्ट्रांग है और वो हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं ठीक है थीके? ये जो गुरुकुल सिस्टम ये जो इंडिया अब जैसे अभी अभी चलो एक एक एग्जांपल करके देख लेते ना मैं बोलता हूं गुरुकुल बताओ दिमाग में क्या आया नहीं, नहीं 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 भाई वो शाहरुख खान मोहम्मद की बात नहीं कर रहा मैं मैं इन जनरल वर्ड बोल रहा हूँ गुरुकुल क्या था दिमाग में हाँ एक जंगल होगा जंगल के अंदर एक छोटा सा एरिया होगा जो कि थोड़ी लकड़ी की वीक बाउंड्री वॉल से कवर्ड होगा एक छोटा सा पुराना सा गेट होगा जो खुलने बंद होने में आवाज करता होगा और अंदर जाके बड़े बड़े पेड़ होंगे एक छोटा सा आश्रम होगा उस पेड़ के किनारे एक गुरु होंगे जो कि धोती कुर्ता पहन के होंगे एक वो व्हाइट बोर्ड लेके बैठेंगे और बच्चे नीचे बैठ जाएंगे ठीक है यही इमेजिन कर पा रहे हो ना बच्चे नीचे बैठ जाएंगे ये तीन 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 करके पंद्रह नीचे बैठ गए बच्चे भी कुर्ते में आ गए ठीक है और सलेट लेके बैठ गए और चौक से लिख रहे थे पेन, पेन बच्चों को ये आता ना दिमाग में ऐसे नहीं थे हमारे गुरुकुल ऐसे कभी थे ही नहीं उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है पर ऐसे नहीं थे कि भाई उनको कुछ आता नहीं है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था ओरिजिनली वो इतना स्ट्रांग था इतना रिच था उसको बहुत ही दिमाग लगा के डिस किया गया क्यों ताकि इंडियन स्मार्ट नहीं बन पाए ताकि हमेशा वो इंफ्लुएंस रहे और रहा ही है ना आज भी हमको लगता है ना कि अरे ब्रिटिशर्स जो तो भगवान थे अच्छा और रेलवे देखकर चले गए भाई तुमको तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी बारात निकल जाए या से तुम्हारे भैया मामा की शादी के लिए उस नहीं बनाया था उन्होंने रेलवे तो बहुत सारे तो लोग रेलवे का वो लेके आ जाता हैं यार पर कुछ चीजें डेफिनेटली अच्छी तो थी ठीक है पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते तो हम कर ही नहीं पाते वो भी चीज नहीं है वो भी चीज गलत है ठीक है तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि ये तो चलो हमारे एग्जाम के अंदर हमको ये सब लिखना है तो ये सब लिखना ही पड़ेगा ठीक है हम एग्जाम के अंदर अगर तुमसे आजादी के बारे में पूछा जाए तुम आजाद हिंद फौज लिख के आ जाओ तुम कितनी भी अच्छी चीज लिख के आ जाओ तुम उसमें मंगल पांडे से लेकर अभी तक की हिस्ट्री लिख के आ जाओ तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें नंबर चाहिए तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा ये सैड रियलिटी है ये जो मैं तुमने बताया ना मैंने तुमको पिछले एक घंटे में तुम अगर नंबर चाहिए तो तुम्हें पिछले एक घंटे की चीज लिखनी पड़ेगी

थोड़ा वो हो गया भावुकता जागरूक हो गई पर कुल मिला के ऐसे मस्ती मजाक में थोड़ा सा रिलेटेट रिलेट करके पढ़ाते रहता हूँ प्रोडक्ट एकदम पढ़ लेते हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें एक्जैक्टली क्या चाहिए जीवन के अंदर तुम्हें पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है तो मैं तुमसे बातें अनेक करवा लो तो मैं तुमसे बातें ही करने आता हूँ बातों के बातों का बाय प्रोडक्ट एकदम पढ़ भी लेते हो बट या दिस इज इंडिया फॉर यू और आज हर वीडियो की तरह बोलते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए अब हम सब एक साथ बोलेंगे अगर तुम खड़े हो सकते हो तो खड़े होकर बोलेंगे ठीक है जो हम लास्ट में बोलते हैं तो दैट मीन सैट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातराम